तो हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी मैं नहा कर तैयार हो गया हूँ और फोटो कॉपी करने के लिए ऊपर चढ़ा था। दिल्ली विच तेरे लिए टाइम कट के, हाँ, तो अभी बज रहे हैं 9:30 और इसको दे देना है माता जी को। माता जी का आधार कार्ड है, इसको फोटो कॉपी कर लिया हूँ और एक गैस कार्ड का फोटो कॉपी कर लिया हूँ, क्योंकि अभी गैस कार्ड का EKYC हो रहा है, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ऐसा हम सुने हैं। तो इसको KYC करना जरूरी है, तो करवाएंगे यार, अच्छी बात है। थोड़ा सा प्राइस कम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ किसी दूसरे चीज का प्राइस बढ़ गया होगा, जो कि किसी को पता है या नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है। तो अभी भूख लगी है मेरे को, तो मैं खाऊंगा भात, बोले तो भात और सब्जी खाएंगे, भात साग यार। हाँ, तो चलो चलते हैं भोजन करने के लिए। मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा। तो जस्ट दोस्तों, मैं अभी खाना खा लिया, भात सब्जी भात खा लिया यार। अभी मैं जाऊंगा राहुल के पास, क्योंकि जो हमारा काम है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कल था विश्रामपुरी में क्रिकेट मैच का फाइनल दिन, फाइनल मैच था क्रिकेट का, तो कल उधर ही चला गया था वो, और मैं भी अपने काम में इधर उधर बिजी हो गया, तो काम नहीं कर पाए। तो बाकी जो काम है ना, उसको आज करने की कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट, लेकिन मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं होगा वो, और आज नहीं होगा, लेकिन करेंगे कोशिश। जो भी छोट मोट काम है ना, छोटे मोटे, उसको करेंगे यार। तो चलो राहुल के पास जाते हैं, थोड़ा सा काम को कंप्लीट कर देंगे यार। जो काम आज कंप्लीट होगा उसको आज करेंगे। आज जाएंगे हम BMW बाइक से। तो चलो, ये है हमारा BMW बाइक, जो कि मिठी नहीं विश्रामपुरी सॉरी बांसकोट से लाया है, ये भी पुष्कर का है। तो ये सुपर स्पेशल BMW बाइक, लग्जरी वाला है, जिससे एक्सरसाइज भी हो जाता है टांगों का, ठीक है, टांगों का साथ में, और भी बहुत कुछ एक्सरसाइज हो जाता है टांगों के साथ साथ। तो देखो दोस्तों, टांगों का एक्सरसाइज हो रहा है ना, ये टांगों का एक्सरसाइज हो रहा है। ये है अखरोट लेना था यार मेरे को, भूल गया, हाँ, अखरोट का भी एक्सरसाइज हो रहा है। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि काम करते करते मैं, पापा मेरे को कॉल किया, तो अभी जा रहे हैं हम लोग जगदलपुर साइड, कुछ काम है। तो क्या होगा आगे का सीन मेरे को भी नहीं पता, दिखाऊंगा मैं जो भी होगा। तो चलो, और थोड़ा सा गाड़ी में भी प्रॉब्लम है, ब्रेक वाला ABS का। वैसे फोन करके पूछा था मैं शोरूम में कि उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो पहले से ब्रेक लगता है ना, थोड़ा सा कम लगेगा, ऐसा करके बताए हैं। तो इसको भी बनवा लेंगे उधर टाइम मिलेगा। तो चलो गाड़ी को निकाल लेते हैं, तैयार हो गए, मतलब चालू हो गई है। तो गाइस, फाइनल सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग आए हैं बस्तर क्षेत्र, है ये बाकर गांव है, और ये केदार काश्यप जी के गांव से कुछ अंदर पड़ता है, जो कि मामा जी का घर है, समझ जाओ। तो यहाँ पर अभी मना रहे हैं दीपावली, दियारी बोलते हैं इसको, जो अपन अपने साइड मनाते हैं ना, खिचड़ी का त्यौहार, दीपावली, वो सब चीज़ अभी इधर अभी मनाते हैं। अभी महीना है दिसंबर का, लास्ट है, तो अभी मना रहे हैं इधर। तो बस ऐसे बुलाए थे फैमिली हिसाब से, तो मैं पहली बार आया हूँ ये सब चीज़ मनाने के लिए पापा लोगों के साथ। तो पापा लोग भी खाना खा लिए हैं, तो कुछ देर बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से घर, और अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 8:30। तो मेरे ख्याल से ना 2.5 घंटे का रास्ता है दोस्तों, तो आराम से जाएंगे, और खाना खाए हैं और रात का समय है, तो हाँ, तो आराम से जाना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हो सीन कुछ ऐसा है, बाहर का सीन दिखाऊंगा थोड़ा सा झलक, ब्लॉग मतलब वो वॉइस ओवर नहीं रहेगा, नॉर्मली रहेगा, उसको देख लेना, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये है मामा जी का घर, ये भी है पीछे साइड, बहुत बड़ा जगह है, और फसल असल लगाए हैं, जो भी है इधर गाड़ी पार्किंग किए हम लोग। और क्या है कि ये गांव पूरा आज त्यौहार मना रहा है दीपावली का, जो मैंने बताया आपको कुछ देर पहले। हाँ, तो यहाँ का सीन आज पूरा पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, जो हम दीपावली टाइम फोड़ते हैं, इन लोग कभी भी फोड़ते हैं, दीपावली टाइम भी फोड़ते हैं, लेकिन इधर अभी मना रहे हैं। तो अलग अलग साइड का अलग अलग रीति होता है, अलग अलग संस्कृति होता है, और ये भी होता है, व्यवस्था होता है, व्यवस्था देख सकते हो। तो भाई जैसा भी है, अब फैमिली हिसाब से आए हैं यार, देख सकते हो, और अच्छा लगा थोड़ा सा मेरे को भी, फर्स्ट टाइम अटेंड किया हूँ ऐसा मैं दीपावली, मैं एक थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, मतलब बेटाइम, लेकिन क्या बोलते हैं, कल्चर अलग अलग साइड का, ये बस्तर का कल्चर है दोस्तों, ठीक है, और हमारे साइड कुछ अलग होता है, बस्तर साइड कुछ अलग होता है,
ये देख सकते हो। अब अपने साइड लाइटिंग ना, लाइटिंग तो अपन दिवाली टाइम करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, बट ये दिवाली है, इधर भी दिवाली है लेकिन इसको दियारी बोलते हैं। अब बस्तर साइड का सीन कुछ अलग है, तो मिलते हैं आप डायरेक्ट गांव में दोस्तों। तो फाइनली गाइस अभी बज रहे हैं 12:30 रात के, मतलब मिडनाइट हो गया, उसके बाद आज तो 30 तारीख भी हो गया। तो अभी पहुंच गए हम लोग घर बस्तर से। तो अभी मैं थोड़ा सा इधर फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, टहलने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद सो जाऊँगा। तो दोस्तों आज का सीन तो आपने देखा कि किस काम से गया था मैं, निकला था घर से, कहाँ पहुँच गया, फिर घर पहुँच गया, रात को 12 बज गए। तो भाई वो होता है सब चीज़ ऐसा, तो पता है तू फैन सलमान खान दी, आगे का पता नहीं, वो सलमान खान भाई जी का भी शादी नहीं हुआ, शादी होने के बाद पता चलेगा। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। प्रेमपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।